नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज 2 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईटी संस्था ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व अनुमान करने के लिए एक ऐप विकसित किया है। तो मतलब प्राकृतिक आपदाओं को पूर्व अनुमान के लिए ऐप विकसित किया है, वो आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी रुड़की ने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व अनुमान करने के लिए ऐप विकसित किया। साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट ने एक समिति का गठन किया है जो प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट लॉन्च किया है। मंत्रालय के अनुसार टूलकिट शोधकर्ताओं और छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग पर लागत प्रभावी ढंग से शोध करने में सक्षम बनाएगी। भारत में किसे कंप्यूटर के पिता कहा जाता है? तो भारत में कंप्यूटर का पिता है ये रंगास्वामी नरसिम्हन को कहा जाता है। और भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ हो जाएगा। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वर्तमान के अंदर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI हो जाएगा। और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है फुगाकू, जो कि जापान का है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसे हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में है ये रजनीश कुमार को चुना गया है। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को 30 अगस्त 2021 को हांगकांग और संघाई बैंक कॉरपोरेशन एशिया इकाई के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। HSBC के CEO कौन है? तो पीटर वांग हो जाएंगे। और SSBC के संस्थापक कौन है? तो SSBC के संस्थापक थॉमस सदरलैंड हो जाएंगे। SSBC की स्थापना है यह मार्च 1865 को होती है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। और सिडनी बैंक की स्थापना कब हुई? तो सिडनी बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 के अंदर हुई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस बंगाली लेखक का निधन हो गया है? तो बंगाली लेखक की बात करें तो बुद्धदेव गुहा हो जाएंगे। प्रख्यात बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया है। वो मधुकरी हनी गेदर कालेर कच्चे कोयल पक्षी के पास छोबीनाय निवेदन विनम्र भेट जैसी कई उल्लेखनीय रचनाओं के लेखक थे। किसे बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया? तो बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 है ये मणिशंकर मुखोपाध्याय को दिया गया है। और किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 है वो अनामिका को प्रदान किया गया है। और किसे 30वां बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 30वां बिरला पुरस्कार है ये प्रोफ सुमन चक्रवर्ती को प्राप्त किया गया है। और किसे 30वां सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया है? सरस्वती पुरस्कार है ये शरण कुमार को। और 30वां जो व्यास सम्मान है ये शरद पगारे को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी 100% वयस्क आबादी को COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो जाएंगे, BJP से हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश में स्थित अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित अभ्यारण्य की बात करें, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और राष्ट्रीय उद्यान है वो है सिंबल बारा नेशनल पार्क, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा। चुल्ली के तेल का जीआई टैग किस राज्य के पास है? तो चुल्ली के तेल का जीआई टैग है ये हिमाचल प्रदेश के पास हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है ये 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है वो 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है वो असे पोषण, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना, सरकार द्वारा पोषण, अच्छा भोजन, स्वस्थ शरीर, मन और जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहल की गई है। और बात करें विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल संरक्षण दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व स्तनपान दिवस तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस हो जाएगा और राष्ट्रीय प्रेस दिवस है ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो एशियाई पुरस्कार है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से 5 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कारों में हाल ही में 5 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। 5 लोग हैं बांग्लादेश की वैक्सीन विज्ञानी डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अहमद शाकिब, फिलीपींस के रॉबर्टो बेलन, अमेरिका के स्टीवन मुंची और इंडोनेशिया के वॉशडॉक हो जाएंगे। और इसका नामकरण है ये फिलीपींस के राष्ट्रपति मेनन रेमन मैग्सेसे के नाम पर हुआ और इसकी जिनकी 1957 में एक विमान दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो गई थी। और जो मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत है ये 1957 के अंदर होती हैं। और पुरस्कार की श्रेणियाँ 6 प्रकार की हैं। स्वास्थ्य की सेवा के अंदर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, सार्वजनिक सेवा के अंदर ये प्रदान किया जाता है, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला, शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और उभरता नेतृत्व, 6 प्रकार की श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा IIT संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया जा रहा है। IIT मद्रास इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नाम का प्लेटफॉर्म जो है वो विकसित कर रहा है। यह ई-सोर्स अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लस के रूप में कार्य करने के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति है वो श्रीलंका के द्वारा घोषित की गई है। श्रीलंका ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की क्योंकि श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा है वो समाप्त हो गई है, जिसकी वजह से श्रीलंका आयात भुगतान करने में असमर्थ हो गया है। साथ ही श्रीलंका की सरकार ने खाने की जमाखोरी पर जुर्माने को भी बढ़ा दिया है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी वर्तमान के अंदर बात करें तो जयवर्धनपुरा कोटे हो जाएंगे और श्रीलंका की पूर्व के अंदर राजधानी कोलंबो थी और वर्तमान में जयवर्धनपुरा कोटे हो जाएंगे। श्रीलंका की राष्ट्रपति तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं। और स्वतंत्रता श्रीलंका है वो यूनाइटेड किंगडम से कब स्वतंत्र हुआ? तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है जिन्होंने हाल ही में संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन है ये ओम बिरला के द्वारा किया गया है। कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्रीनगर में शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में
इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। और बात करें ओम बिरला की, जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।